नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। आपके जो फर्स्ट शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्न जो है डिटेल के साथ बात करेंगे। चाहे मैथ्स की क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हम बात करेंगे, कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। साथ ही साथ आपके बाल विकास पेडागॉजी कहाँ से पूछी गई वो भी हम बात करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा, बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका प्रीवियस पेपर सभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो सभी लोगों को यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। हिंदी में पहला प्रश्न जो है 12 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जो है, जो आपका पेपर जो है 12 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन ए टू एट जानते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों को विकास हेतु किया जाता है। देखिए चारों जो भाषाई कौशल है, पढ़ना लिखना बोलना सुनना, तो ये जो हमारे चारों भाषाई कौशल हैं इनको विकास हेतु जो होता है वह होता है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि वह विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल के विकास हेतु किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है। देखिए हिंदी विशिष्ट गुण की अपेक्षा की बात करते हैं तो वह कुशल अभिव्यक्ति होता है। कुशल अभिव्यक्ति में से जो है हिंदी शिक्षक में जो है विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है, वह कुशल अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। वो गुण क्या हो जाएगा, कुशल अभिव्यक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो लिखना आता है अंत में, अर्थात अंत में लिखना जो कौशल है या कौशल शिक्षण कराना चाहिए, लिखना बाद में। अगला प्रश्न पूछा गया, ये हिंदी पेडागॉजी के 15 प्रश्न रहेंगे और 15 प्रश्न अपठित गद्यांश पद्यांश से पूछे जाएंगे। इसमें से फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। कई बार पूछा गया है, कभी ना समाप्त होना मतलब निरंतरता का सिद्धांत, और चाहे हम क्लास की बात करें चाहे हम प्रैक्टिस सेट की बात करें, यह क्वेश्चन हमने सभी को बताया था, ठीक है। और आने वाला जो मैथ्स के जो सॉल्व करेंगे, कितने टफ क्वेश्चन कहाँ से आए, पर्यावरण ईवीएस कितने टफ क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए और किस पेपर से पूछे गए, तो ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न, ध्यान रखिएगा। सभी लोग क्लास पर बने रहें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुकरण वाचन कितने भेद होते हैं। अनुकरण वाचन के दो भेद होते हैं और मैंने क्लास में आपको बताया था। अगर हमने आप लोगों ने प्रीवियस क्लास हमारी ज्वाइन किया होगा तो आप सब भली भांति जानते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया वो कमेंट करके अवश्य बताएं कि अनुकरण वाचन के जो दो भेद होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में से पढ़ना सिखाने के लिए सहचर प्रणाली का निर्माण जो है किसने किया था। तो यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात यह है कि पढ़ना सिखाने के लिए सहचर प्रणाली का निर्माण पूछा जा रहा है, तो पढ़ना सिखाने के लिए सहचर प्रणाली मॉन्टेसरी ने किया था, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो है बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा गया था, आप लोगों ने बेहतरीन इसका जवाब भी दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है। सूक्ष्म शिक्षण, तो आप सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि कहलाती है वह हमारी कहलाती है 36 मिनट। जी हाँ, 36 मिनट जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कहलाती है, ईएसवी का मानना है, ईएसवी ने इसको सही माना है। अगला, निम्नलिखित में से वर्ण किसे कहते हैं, सभी लोग बताइएगा। देखिए वर्ण किसे कहा जाता है, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब कोई भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि होती है उसको ही वर्ण कहते हैं। लघुत्तम है तब सबसे छोटा, ये भी चीज़ें ध्यान देना। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्न में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आई, हमने आपको क्लास में बताया था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पूछे गए थे, एक एक बात बिल्कुल सही अब साबित हो रही है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रभावी रूप से बल किसके द्वारा दिया गया था, यह आपके मुदालियर आयोग द्वारा दिया गया था। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ लेना है, बालकृष्ण आयोग, राधा रमन आयोग, ये सारे आयोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम में इन आयोगों से भी प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। देखिए वह विधि कहलाती है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। एक ऐसी विधि होती है, ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल आप अनुभव कह सकते हैं। किसको, पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि।
केवल इसको अनुभव किया जाता है। बाकी जो आपकी सूत्र विधि है, अनुकरण है, अनुदेशन है, इनको जो है देखा जा सकता है, लेकिन प्रवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि को देखा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्मरण की विधि कौन सी कहलाती है। अब देखिए प्रश्न पर उत्तर दिया गया, आप कैसे प्रश्न पर उत्तर दिया गया आप लोग अचंभित हो रहे होंगे, तो सभी लोग एक बार दिल से, सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा दिल से, सभी मित्रों को जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम साधनों के माध्यम से, ठीक है, न्यूनतम या कम से कम साधनों के माध्यम से सिद्धांत और तथ्यों को स्पष्टीकरण की विधि कहलाती प्रदर्शन विधि। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट सभी लोग समझ रहे होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया, खाली स्थान दिया गया कि वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के क्या हो, पूरक हो। जी हाँ, वे अध्यापक जो शिक्षण करें जो विषयगत जो है योग्यता एवं कौशल की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, तो वह शिक्षण विधि हमारी कौन सी कहलाती है, वह शिक्षण विधि दल शिक्षण कहलाती है। क्या हो जाएगा, दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण विधि क्या विशेषता होती है, ऐसे अध्यापक शिक्षण कराते हैं जो विषयगत योग्यता और कौशल की दृष्टि से एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, वह होती दल शिक्षण विधि। यानी डी ऑप्शन इधर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना एवं लेखन गति में वृद्धि करना, ये जो है किसके उद्देश्य होते हैं। तो छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन की गति में वृद्धि करना, ये किसके हो जाते हैं, ये होते शुद्ध लेखन अभ्यास विधि के हो जाते हैं। क्या होंगे, शुद्ध लेखन अभ्यास विधि के उद्देश्य हो जाएंगे। याद रखिएगा एग्जाम में एक एक क्वेश्चन काम आने वाला है, सभी संभावित कंसेप्ट की बात करेंगे। जब भी क्लास आएगी समझ लीजिएगा धुआंधार क्लास होगी, और धुआंधार क्लास करने के लिए ये सारा जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये हम आपको फिर बताएंगे कि हमने ये बताया था आप लोगों ने कमेंट क्यों नहीं किया। तो ये इसलिए अभी बता रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिए और फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं होता, तो ये बात जानना जरूरी कि जो सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक क्या होता है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक होता है पाठन और मूल्यांकन का साथ चलना, प्रत्येक पाठ के पूर्व उद्देश्य तय होना चाहिए और अंत क्रिया पर बल देना, यानी कि शिक्षण की समयावधि तय नहीं करना, यह शिक्षण सूत्र आवश्यक नहीं होता। शिक्षण सूत्र में आवश्यक होता है शिक्षण की समयावधि भी तय करना, लेकिन हमारा प्रश्न कर रहा नहीं कर रहा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलान होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये कार्टिन क्वेश्चन बी ऑप्शन यस बी ने सही माना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार जो है कार्य करती है, तो इस हेतु कौन सी विधि सहायक होगी। देखिए आप सभी लोग जानते हैं किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार करती है, तो इसके लिए जो सहायक होगी वह होगी व्याकरण अनुवाद विधि। किसी भी नवीन भाषा को जानना मातृभाषा आधार करती क्या होगी, व्याकरण अनुवाद, उसको अनुवाद कर लिया जाए, नवीन भाषा को अपनी होम भाषा में अनुवाद करें, तो अनुवाद विधि इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला गद्यांश देखिए दिया गया है, गद्यांश दिया गया कि भूमंडलीकरण और बाजारवाद के इस परिवेश में सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक सीमाएं सिमटती जा रही हैं, और विज्ञापन का इतिहास पूंजीवाद से शुरू होता है, ज्यों ज्यों पूंजीवादी परवान पर चढ़ गया थे तो विज्ञापन की चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे कुछ गद्यांश दिया गया है, और आइए जानते इस गद्यांश से क्या प्रश्न पूछे गए थे। उपरोक्त गद्यांश में उचित शीर्षक, शीर्षक सब में पूछा गया है, जितने भी गद्यांश अभी तक हमने पेपर 10 से 12 पेपर से ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है 12-15 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, और इससे हर पेपर में यहाँ पे शीर्षक लगभग 90% पूछा गया था। तो उपरोक्त गद्यांश हमारा उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, हमारी संस्कृत अस्मिता और विज्ञापन, इन तीनों चीज़ों का जो है प्रयोग किया गया है, अस्मिता विज्ञापन का भी प्रयोग शब्दों का किया गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए जब आप सारा कथन पढ़ेंगे तभी पता चल जाएगा, तो यहाँ पे जो असत्य कथन हमारा दिया गया था वह क्या दिया गया था, आइए जानते हैं। और पहचानते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया कि हर व्यक्ति तक कुशलता से पहुँच बनाने में विज्ञापन एक दिव्यास्त्र से दो रहा है, आज की डेट में बिल्कुल सही बात है, एक डिजिटल युग हो गया और हर व्यक्ति की तक कुशलता से पहुँचाना तो विज्ञापन जरूर करवाना पड़ता है।
विज्ञापन के इतिहास पूंजीवाद से शुरू हो रहा पहले ही लाइन में दिया गया है। आज विकासशील देशों में आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक विसंगतियां, राष्ट्रीय एकता, ये तीनों सही होंगे और चौथा जो आपका विकल्प असत्य हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। आपके गद्यांश से प्रश्न पूछा गया कि किस शब्द का उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है। देखिए इसमें प्रभाव उत्पाद आया है, अस्मिता आया है, मूलभूत, इन शब्दों का प्रयोग हुआ, लेकिन आधुनिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। और जब पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तभी आपको पता चल पाएगा किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ नहीं हुआ। इसका तात्पर्य प्रश्न का होता कि आप गद्यांश को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी एक अच्छा अनुभव मिलता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पूर्णतः सत्य कथन को चयन करना है। सत्य का कथन क्या है? ज्यों ज्यों पूंजीवाद परवान चढ़ता गया त्यों तो विज्ञापन स्वरूप भी अपना रंग बदलता गया, ये बिल्कुल सही है और गद्यांश में आपके दिया गया है। और देख लेते हैं, यही लाइन दी गई, विज्ञापन का इतिहास पूंजीवाद से शुरू हुआ, ज्यों ज्यों पूंजीवाद परवान चढ़ता गया त्यों तो विज्ञापन का स्वरूप अपना बदलता गया। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार इतिहास साक्षी है कि किसी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक उत्थान जो है पतन में विज्ञापन अस्त्र की तरह प्रयुक्त हो रहा है। यानी सांस्कृतिक उत्थान का पतन जो है सबसे किसका कारण माना गया है? विज्ञान को, आपके इसको माना गया है, क्या बोलते हैं ये, प्रचार को, यानी विज्ञापन को माना गया है। क्यों? क्योंकि इतिहास साक्षी किसी देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के पतन की अगर बात आती है तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आइए आपके गद्यांश से क्या प्रश्न पूछा गया है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि लोकोक्ति मार मार कर हकीम बनाना, इनमें से अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। मार मार कर हकीम बनाना का हो तो अर्थ होता है ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। तो ज़बरदस्ती देखिए नहीं की जा सकता, कोई चीज़ें हैं जब सीखिए, बार बार अभ्यास कीजिए, अवश्य सफल आएंगे। ज़बरदस्ती कोई किसी भी चीज़ हो नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक का चयन करना है। देखिए अंगूर शुद्ध नहीं है, अलंकार में ला में चंद बिंदी मतलब अन होना चाहिए, बिंदी जो है ला में होनी चाहिए तब अलंकार होगा, अंश बिल्कुल सही दिया गया है। अस्पताल दिया गया जबकि अस्पताल होता है, ठीक है, तो अंश जो है सही शुद्ध रूप दिया गया था, यानी शुद्ध भाषा का चयन भी पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक अपादान कारक का सही उदाहरण है। अपादान कारक, आपने मुझे हानि से बचाया, तो से का अर्थ होता है अपादान, ठीक है, यानी अलग के अर्थ में आपका हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कब पूछा गया था। देखिए यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, मैंने छोटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा, पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ऐसे कुछ काव्यांश आपका दिया गया है। अब आइए सर, तो इस काव्यांश से प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त पंथ में रचयिता का नाम, तो रचयिता हमारे क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं कि मैंने छोटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों को प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं सेठ बनूंगा। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। इसके बाद इसी काव्यांश से अगला जो प्रश्न क्या पूछा गया था ये समझ लेते हैं और आप लोगों का फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार कवि ने बचपन में क्या काम किया था। तो कवि ने बचपन में छिपकर कुछ सिक्के जमीन पर दबा दिए थे। क्या किया था कवि ने? कुछ सिक्के जो है जमीन पर दबा दिए थे कि ताकि इसके पेड़ उगेंगे तो फिर आगे चल के मैं इसके जो फूल फलेगा तो फिर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। अगला प्रश्न, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार कवि ने किस अवस्था में कुछ सिक्के जमीन पर दबा दिए थे? तो अबोध अवस्था में दबा दिए थे। किस अवस्था में? अबोध, जहाँ पर जानते नहीं थे उस अवस्था में कि किसको क्या बोने से क्या उगता है।
इनमें से तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तृष्णा मतलब आकांक्षा, उसकी आकांक्षा थी कि आगे जाके ये पेड़ बनेगा, पैसे का पेड़ बनेगा। और इसने लिखा है ना कि मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। तृष्णा मतलब किसको सींचा था? आपके जो प्रश्न में है आकांक्षा को सींचा था, उसकी आकांक्षाएं थी कि ऐसे होगा। अगला है शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो फिकिर शुद्ध नहीं, इस्लाम फिल्म श्रृंगार जो दिया गया हमारा शुद्ध रूप में दिया गया है। फिल्म नहीं होता, फिल्म होता है, सभी लोग इतना तो जानते हैं। आप लोग नॉर्मल से, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षा बंधु हैं और जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, लोकोक्ति अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, इनमें से क्या अर्थ होता है? मतलब सभी लोग जानते हैं अगर हम में ही कुछ कमजोरी है तो बताने वाले का क्या दोष, फर्स्ट ऑप्शन है। तो लोकोक्ति कहावतें भी पूछी गई हैं, तो इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। अगला है कि वाक जान से मारने की इच्छा, इसमें एक शब्द क्या होगा? तो जान से मारने की इच्छा को क्या बोलता है? जिघांसा बोला जाता है। ठीक है, अब आइए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी लोग रब पेन कापी लेके बैठ जाइए, क्योंकि सुनने से काम और देखने से नहीं होगा, हाथ की कलम भी चलना चाहिए। जब हाथ की कलम चलती है तो आपके माइंड की मेमोरी में सब सेव हो जाएगा। आपके मोबाइल की मेमोरी में तो बहुत सारा कुछ सेव होगा, लेकिन अब आपको माइंड की मेमोरी में सेव करना है, क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में काम आने वाली है। तो यहाँ पे साथियों हमारा प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में प्रश्नों के स्थान पर क्या आएगा? तो 17 × 9 कर लीजिए और इनको दोनों को जोड़ लीजिए और 162 में घटा दीजिए, मान लीजिए एक्स आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, 17 × 9 कितना हो जाएगा? 153। धन 317 कर लीजिए, धन 25 कर लीजिए और वहाँ से 162 को माइनस 162 कर लीजिए, बराबर एक्स कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क जगह एक्स मान रख लीजिए। 153 को 317 से जोड़ दीजिए, आ जाएगा 153, 317 और 25, इसको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 495, 495 माइनस 162, इसको जब करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 333। और देखिए 333 किस में दिया गया है? आपके सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों, आप लोगों ने समझ लिया, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसी प्रकार अगला भी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक यानी घातांक वाला निकालना है, तो घातांक की जगह आप एक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 43 की पावर 6 दिया गया है, ठीक है, 48 49, ठीक है, तो 48 49 की वर्ग दिया गया, यानी 2 बार गुणा, फिर दिया गया भागे 7950। तो 48 49 का जब हम 7950 में भाग करते हैं तो हमारी क्या संख्या बचेगी, ये बताइए। तो हमारी संख्या जो बचेगी वह गुणे बचेगी 18 49 भागे 43 बराबर 43 की घातांक हमें निकालना है। अब 1849 ये किसका है? ये 43 का वर्ग है, तो 1 43 से 1 43 हमारा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 43 भर, तो 43 से पावर 6 हो गया और एक ये हो गया, तो 43 की पावर क्या हो जाएगा? 7 बराबर 43 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो अगर आधार समान है तो घातों की तुलना कर लीजिए, तो क्वेश्चन मार्क जगह हमने एक्स माना तो एक्स की जगह क्या जाएगा? 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 43 की पावर 7 हमारा मान निकल के आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जो डायरेक्शन आपका बोल रहा है उसी डायरेक्शन से आपको चलना है, जो प्रश्न कह रहा है वही चीज़ें करते चलना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या आएगा। अब देखिए -86 × 24 दे दिया गया, तो -86 × 24 करेंगे तो -2000 आ जाएगा 64, और प्लस इसमें क्या कर दीजिए 354 बराबर आपका मान आएगा, तो 2064 में 354 करेंगे तो 1710 आ जाएगा, जो कि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1710 आ गया, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया वह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है, दूसरी संख्या 5 गुना है, तो क्या होगी? अब आइए निकालते हैं। 3 क्रमागत संख्या, तो पहली ए,
a+2 और a-2, ये हमारी तीन क्रमागत संख्याएं होंगी। और कह रहा है इनके संख्याओं का गुणन कितना है, 4032 के बराबर है। बराबर कितना है, 4032 की। और प्रश्न कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 252 है। पहली और तीसरी यानी a-2 a+2 का हमारा क्या दिया गया है मान, 252 आ जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि a-2 यानी पहली और तीसरी यानी a+2 इनका गुणनफल किसके बराबर है, 252 के बराबर है। तो इनका मान 252, तो 252 और a करेंगे गुणा, तो 252 a बराबर 4000 क्या जाएगा हमारा, 32। ठीक है, 252 ए बराबर 4032, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4032 बटे 252। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या निकल के आएगी, 4032 में 252 का भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगर 16 × 252 करेंगे तो आपका 432 आएगा। तो ए का मान आ गया हमारा 16 है। अब प्रश्न कह रहा है दूसरी संख्या 5 का गुणा, तो दूसरी संख्या हमारी क्या थी, पहली हमारी a-2, दूसरी हमारी a थी और तीसरी थी a+2। तो दूसरी हमारी ये संख्या a दूसरी संख्या का 5 गुना है, a का कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। और a की वैल्यू हमने कितनी निकाला, 16 निकाला, तो 16 × 5 कर दीजिए, तो 16 × 5 = 80। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार रिमाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है √81 और 4096 का मान निकालना है। अब अंडर रूट में दिया गया, अंडर रूट में बाहर करेंगे तो किसी का वर्ग होना चाहिए, 99 × 81 9 कर लीजिए, और 4096 किसका वर्ग है, वर्गमूल हो जाएगा 64 का, 9/64 आ गया। अब देखिए डी ऑप्शन में ऑलरेडी पूरा A to Z आंसर, केवल 2 लाइन का उत्तर था, आप मन में भी सोच सकते थे। और पहली बात यह है कि ऊपर संख्या 9 है, ये सभी लोग जानते हैं कि 99 × 81 होगा, 9 आएगा। अब देखिए बटे में किसी भी आपको ऊपर 9 नहीं दिया गया, केवल डी में दिया गया। तो ये भी मान लीजिए आप नीचे वाली बड़ी संख्या नहीं पता है, फिर भी आप यहाँ से डायरेक्शन आंसर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना होगा, और तभी आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें सही हो पाएंगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि 2y − 3y + 12y + 10 = 21 है, तो y का गुणांक निकालना है। y का गुणांक निकालने के लिए क्या होगा, 12 × 14y, और 14y − 3 + 10 = 21 दिया गया है। तो हमारा क्या जाएगा, 11y और 21 − 10 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो y का गुणांक पूछा गया, तो y का गुणांक क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दोनों तरफ 11 आ रहा ना, तो y का गुणांक आ जाएगा 11। 11 का दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं गुणांक। ठीक है, तो सभी लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि गणितीय प्रस्ताव क्या होता है। देखिए गणितीय प्रस्ताव वह होता है, या तो सत्य है या तो असत्य है। गणितीय प्रस्ताव जो होता है या सत्य है या असत्य है, हमेशा सत्य है। तो गणितीय प्रस्ताव हमेशा सत्य, हमेशा असत्य, या सत्य असत्य। तो गणितीय प्रस्ताव या तो सत्य है या असत्य है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल एक लॉजिकल प्रश्न भी पूछे गए थे। अगला है, एक गृहिणी 102 दर्जन केले और 85 दर्जन आम खरीदती है, केले और आम का अनुपात। तो केला 102 और अनुपात यानी बटे कर लेंगे 85 आम। देखिए दर्जन अगर 12 × ऊपर करेंगे 12 नीचे करेंगे तो ऑलरेडी 12 × 12 कट जाएगा, तो दर्जन या कुछ नहीं, क्योंकि दोनों अगर ऊपर नीचे दोनों सेम आएंगे, दर्जन 12 का ही होता है, ऊपर उतना करेंगे नीचे करेंगे, तो बटे में आएगा, अनुपात में आएगा, तो संख्या उतनी ही हो जाएगी। तो 102/85 बचता है, 102 और 85 को काट लीजिए, 17 × 85 17 × 6 = 102, 6/5 आएगा, यानी 6/5 आएगा। अब 6/5 देखिए किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन जिन्होंने सही किया होगा उनका बेहतरीन नंबर मिला होगा। अब आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न का है, 2 दिए गए इनका मान निकालना। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको क्या करना है, 4 ठीक है, पहले क्या कर लीजिए, 4m का गुणा इनमें सभी का कर लीजिए, 4m का गुणा −4m² + m
प्लस थ्री में गुणा कर लीजिए, इसके बाद प्लस नाइन का गुणा करना है फिर इसी में, माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस एम प्लस थ्री, बस गुणा कर लीजिए। चार चौक सोलह एम क्यूब, फोर एम स्क्वायर और चार तई बारह एम आ जाएगा, नौ का करेंगे नौ चौको छत्तीस एम स्क्वायर आएगा माइनस में, और नौ एम आ जाएगा, नौ तीस सत्ताईस आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं का गुणा भाग कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी इसको माइनस सोलह एम क्यू माइनस बत्तीस एम एम स्क्वायर इक्कीस एम प्लस सत्ताईस, ये मान आपका आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब ये बहुपद वाला है तो बहुपद का आपको ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स माइनस सी जो बहुपद है इसमें इससे भाग कर देंगे, जब दोनों को भाग करेंगे तो ए बी का मान जो है आपके यहाँ पे सी आ जाएगा, यानी जो ए बी का मान एक दिया गया है वह आपके यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि वर्ग के विकर्ण का वर्ग की भुजा से अनुपात ज्ञात करना है। अब वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है सभी लोग जानते हैं, अंडर रूट टू ए होता है, और भुजा वर्ग की भुजा कितनी होती है, ए होती है, तो अंडर रूट टू ए बटे ए करेंगे तो ए से कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट टू अनुपाते वन, क्या जाएगा अंडर रूट टू अनुपाते वन बचेगा। तो अंडर रूट टू अनुपाते वन किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जो है गणित पढ़ाने की विधि नहीं है। देखिए अनुमानी विधि, परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, ये हमारी गणित पढ़ाने की विधियां हैं, लेकिन वेधशाला विधि ये गणित पढ़ाने की विधि नहीं है। तो वेधशाला विधि दूसरी बार प्रयोग हुआ है, पिछले पेपर में भी वेधशाला शब्द आया हुआ था, हमने पढ़ा था, तो इन चीज़ों को भी फोकस करना है। अगला, एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं होती। देखिए एक सफल शिक्षक की क्या विशेषता होती है, साधता होती है, निष्ठा होती है, आत्मानुशासन होता है, लेकिन एक सफल शिक्षक की पक्षतापूर्ण व्यवहार यह विशेषता नहीं होती है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चौदह गुणे बारह भागे चार ऋण अट्ठाईस धन तीन बराबर तिहत्तर है, दिए गए समीकरण को सही के दो संख्याओं को आपस में बदलना है, क्योंकि इसका करेंगे तो तिहत्तर मान नहीं आ गया, दो संख्याओं को आपस में बदल दीजिए मान तिहत्तर आ जाएगा, अर्थात चौदह की जगह अट्ठाईस लिख दीजिए और अट्ठाईस की जगह चौदह लिख दीजिए, ये दो मान परिवर्तित करेंगे तो आपका तिहत्तर मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसे चौदह गुणे बारह दिया गया तो चौदह जगह में क्या लेंगे अट्ठाईस गुणे बारह कर लेना है, और भागे चार माइनस अट्ठाईस के जगह चौदह कर देना है प्लस थ्री। अब इसको करेंगे अट्ठाईस गुणे बारह कर लीजिए, सभी लोग कीजिए अट्ठाईस गुणे बारह कीजिए, तीन सौ छत्तीस आ रहा है सभी का, भागे चार कर दीजिए माइनस चौदह प्लस थ्री। ठीक है, तीन सौ छत्तीस भागे चार मतलब चौरासी, और चौदह में से तीन चले जाएंगे तो माइनस का ग्यारह बचेगा, तो चौदह में ग्यारह घटाएंगे तिहत्तर आ जाएगा, तो तिहत्तर आ रहा है ना, तो मतलब क्या करना हमें अट्ठाईस चौदह और अट्ठाईस को आपस में बदलना है, चौदह अट्ठाईस को बदलना है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एक एक चीज़ें आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें बदलना है, ज़्यादातर ये चीज़ें आई चिन्हों को बदलना थोड़ा माइंडली होता है, तो थोड़ा लॉजिकल होता है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जो आर्ट वाले ग्रुप हैं या कॉमर्स वाले तो उनका, कॉमर्स वाले भी क्योंकि अकाउंट वगैरह लगाते हैं थोड़ा वो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये लेवल दसवीं तक का ही, दसवीं से ऊपर ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल अंकों को बदलना है केवल, और गुणा भाग यानी कि चार चीज़ें जिससे बनी हैं। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा और भाग, चार संक्रियाएँ जिससे बनती हैं वो मैथ बनता है, समझिए अपने आप को मैथ में अव्वल मानिए, क्योंकि आप टीटी फैमिली से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। दिए गए इंटरचेंज आपस को बदलना है, भाग की जगह प्लस लिखना है और तीन की जगह चार, चार की जगह तीन करना है। अब देखिए जैसे नौ है, नौ है प्लस दिया गया तो प्लस की जगह भाग कर लीजिए, चार दिया गया तो तीन कर लीजिए, गुणा का नहीं बदलना है, भाग की जगह प्लस कर लीजिए और दो कर लीजिए और माइनस गुणे आपका यहाँ पर चार आएगा। ठीक है, जहाँ तीन था चार, चार का तीन कर लेना है और माइनस पाँच, इसको आप कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तीन गुणे चार ऋण तीन बचा, चार तीन बारह में तीन जाएगा बचेगा नौ, तो नौ हमारा देखिए किस में भी ऑप्शन में दिया गया, तो नौ आपका शेष बचेगा इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न मैथ्स पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया कि पियर संस्कृति किसका गठन करती है। तो पियर जो संस्कृति होती है वह समाजीकरण का गठन करती है, पियर संस्कृति किसका गठन करती है, समाजीकरण का गठन करती है।
अगला प्रश्न है, सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी एक सीखने की कठिनाई नहीं है। देखिए, कमज़ोर स्मृति यह सीखने की कठिनाई है, अपेक्षाकृत खराब व्यापक शक्ति होती ये भी सीखने में कठिनाई आती है, संबंधित शिक्षण क्षेत्रों में ज्ञान को उचित रूप से स्थानांतरित करने में विफल होना ये भी आपके सीखने में कठिनाई आती है, लेकिन अच्छी किताबों में कमी होना ये सीखने में कठिनाई होता है। अगर अच्छी किताबें में कमी है तो ये सीखने की कठिनाई ये नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है, ठीक है, और ESB ने बिल्कुल सही माना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। देखिए, नज़रिया हमारी पहचान को आकार देती है, बिल्कुल सही बात है। दृष्टिकोण के निर्माण में परिवार का बड़ा प्रभाव होता है, बिल्कुल सही बात, हम इसे भी सही मानेंगे। फिर आपका अगला कह रहा है कि सीखना दृष्टिकोण हासिल करने में मदद करता है, बिल्कुल बात है, जब आप कोई चीज़ सीखेंगे समझेंगे तो आपको दृष्टिकोण हासिल करने में बिल्कुल मदद मिलेगी। अगला कह रहा है समझाने और बात करने से नज़रिया बदला जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत कथन दिया गया है। समझाने पर बात करने से नज़रिया बदलता नहीं है, नज़रिया हमारी क्या करती है, पहचान को आकार अवश्य देती है, लेकिन बात और समझाने से नज़रिया, जब तक आपके सोच में परिवर्तन नहीं होगा, जब आप खुद में चेंज नहीं होंगे तो कोई भी कितना भी समझा ले। अगला है, किसी भी, देखिए, जब हम बता देंगे 2+4=6 होता है, कितना भी समझा, अब आपको समझना ही नहीं है, आपका नज़रिया नहीं, आप बोल रहे हैं बस नहीं 2+4=4 ही होता है, तो नज़रिया समझाने में कितना होगा, जब आप खुद में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न समझिएगा, किसी भी कक्षा की परीक्षा माध्य अंक निम्न का परिणाम है, तो किसी भी कक्षा की परीक्षा का माध्य जो अंक होता है किसका परिणाम होती है, सभी अंकों को योग के अंकों में विभाजित किया जाता है। मान लीजिए 10 तक का निकालना है तो 10 तक का जो जो संख्याएं देंगे उन 10 संख्याओं का योग कर लेंगे, उसमें 10 का भाग कर देंगे, यानी सभी अंकों का योग कर लीजिए, 10 में भाग कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, माध्यांक हो जाएगा। तो माध्यांक अंक कैसे निकाला जाता है ये भी पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सी भाषा में पूछा गया, तो आपने सिंपल तरीके से जवाब भी दिया होगा, आंसर भी किया होगा। अगला, एक रचनात्मक विद्यार्थी उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो, तो जो ही रचनात्मक बालक बालिका होता है किस व्यक्ति को संदर्भित करता है, वह पास सोच और समस्या समाधान में अच्छा है, इस सोच व्यक्ति को समर्पित करता है, समर्थित करता है। अगला है, छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, बालक बालिकाओं छात्रों के लिए जो सबसे गुण बेस्ट होता है वह गुण कहलाता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अर्थात स्वतंत्र सोच, छात्रों के लिए स्वतंत्र सोच जो होता है सबसे बेस्ट गुण होता है। अगला, गणित को पाठ्यक्रम में शीर्ष पर रखा गया क्योंकि, देखिए गणित का जो पाठ्यक्रम उसको शीर्ष में क्यों रखा गया है, इसलिए रखा क्योंकि यह बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सबसे अच्छा साधन माना जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, कि विषय के तहत मानक रूप में छोटी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए घातांक का उपयोग बताना है। देखिए, मानक रूप में अगर छोटी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जो घातांक का प्रयोग होता है, ये आपके ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, और चार ऑप्शनों को ध्यान कर फिर हमें यह बताना है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो हमारा सही होगा, ESV ने जो सही माना है, क्या माना है, कि संख्याओं का सटीकता पहलू दिखाता है, ये जो बता रहा है ना कि प्रकाश की गति इतने प्रति सेकंड होती है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-48 मीटर है, कंप्यूटर चिप पर तार का जो व्यास होता है इतना होता है, एक पादप कोशिका का आकार इतना mm होता है, ये चीज़ें जो बता रहा है ना, ये चीज़ें किस लिए बता रहा है, ये चीज़ें जो है संख्याओं का सटीकता पहलू दिखा रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बेहतरीन कमेंट करना, फीडबैक करना है। और अगला प्रश्न है कि यह व्यक्ति के परीक्षण प्रक्षेप विधियों का प्रकार है, तो कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति के परीक्षण प्रक्षेप विधियों का प्रकार कहलाता है वह हमारा साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होता है। और मैथ्स का अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया था, 60वां प्रश्न है कि थार्नडाइक द्वारा अधिगम के द्वितीयक नियम में बहुप्रतिक्रिया का नियम पर बल दिया गया है, तो किस पर बल दिया गया, तो थार्नडाइक का जो द्वितीयक, तो ये जान लीजिए जो द्वितीयक नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तो थार्नडाइक ने इस पर किस पर बल दिया है, तो थार्नडाइक ने जो इस पर है संघ परिवर्तन द्वारा अधिगम पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। तो ये तो दोस्तों हिंदी और मैथ्स के क्वेश्चन हमने किया, अब आइए EVS के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम बाल विकास पेडागॉजी के प्रश्न करेंगे, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। गए थे पर्यावरण अध्ययन में, आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया था,
पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों पूछा गया था कि उन विधियों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, ये एक उदाहरण हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो लर्नर सेंटर्ड मेथड हो जाएगा, अर्थात शिक्षार्थी केंद्रित विधि। जी हाँ साथियों, उन विधियों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं वह कहलाता है शिक्षार्थी केंद्रित विधि, लर्नर सेंटर्ड मेथड की बात की जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में कि प्रयोजन विधि के प्रणेता कौन है, और अक्सर हम क्लास में आपको बताए थे, याद होगा सभी लोग जिन्होंने क्लास हमारी अटेंड की थी, लगभग 2020 से लेकर 2022 तक हमने क्लासेज की थी, लगभग 2 सालों हमने वर्ग 3 का प्रिपरेशन के पूरे क्लासेज A to Z आपको बताया था। तो प्रयोजन विधि के हमारे प्रणेता कौन से हो जाएंगे, वह किलपैट्रिक। जी हाँ, जब भी प्रयोजन का जिक्र होगा किलपैट्रिक का नाम अवश्य आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे शिक्षाप्रद स्थान कौन सा होता है, भूगोल अर्थात जियोग्राफी पढ़ाना तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है संग्रहालय, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी जो तरीका होता है स्रोत में कमी और पुनर्चक्रण होता है, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर होता है। आइए साथियों जानते हैं आपका अगला प्रश्न कैसा प्रश्न पूछा गया था। साथियों प्रश्न था सुनने की क्षमता का स्थायी नुकसान जिससे कोई रिकवरी नहीं होती है वह क्या कहलाता है, प्रश्न को समझ लीजिएगा उत्तर अपने आप समझ जाएंगे। सुनने की क्षमता का स्थायी नुकसान करना, सुनने की क्षमता का जो स्थायी नुकसान होता है जिससे कोई रिकवरी भी नहीं होता वह क्या कहलाती, उसी को ही शोर प्रेरित स्थायी थ्रेशोल्ड शिफ्ट बोला जाता है, जिसे हम NIPTS बोलते हैं। क्या शोर प्रेरित स्थायी थ्रेशोल्ड शिफ्ट की बात करेंगे, नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट की बात होती है। तो सुनने की क्षमता का स्थायी नुकसान जिससे कोई रिकवरी नहीं होता है वह हमारी क्या कहलाती है, शोर प्रेरित स्थायी थ्रेशोल्ड शिफ्ट की बात की जाती है। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप लोग बेहतरीन कमेंट फीडबैक कर सकते हैं, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारतीय रबड़ वृक्ष कहा जाता है, जी हाँ भारतीय रबड़ वृक्ष किसे कहा जाता है, तो भारतीय रबड़ वृक्ष किसे कहा जाता है, फिक्स इलास्टिक जो होता है, जी हाँ जो फिक्स इलास्टिक होता है उसको भारतीय रबड़ वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ये संभावित प्रश्न है और EBS पेडागॉजी का प्रश्न पूछा गया है कि किशोरावस्था जिसमें पहचान को संकट व आत्मसम्मान का सामना करना पड़ता है इसका कारण क्या होता है, प्रश्न को समझ लीजिएगा। किशोरावस्था यानी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में पहचान को संकट व आत्मसम्मान का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात, और इसका कारण है कम उपलब्धि, अंडर अचीवमेंट की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जीवाश्म ईंधन जो होता है ईंधन है क्योंकि वे उस ऊर्जा छोड़ते हैं, जीवाश्म ईंधन उसको ईंधन क्यों मानते हैं, जीवाश्म ईंधन है इसको ईंधन के रूप में क्यों माना जाता है, क्योंकि यह किस पर ऊर्जा छोड़ते हैं, जलने जो बर्न होता है, अपने गैस का जो होता है उसको बर्नर बोला जाता है ना, वही बर्न जलना यानी जहाँ प्रज्वलित होता है, तो जीवाश्म ईंधन ईंधन है क्योंकि ये जलने पर क्या करता है, ऊर्जा छोड़ता है, इसलिए यह जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, कोयला क्या जलने के बाद एनर्जी देता है, ऊर्जा छोड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि में घास उगाई जाती है जिसका उपयोग वर्षा के जल को रोककर मिट्टी के कणों को बांधकर और मिट्टी की संरचना को सुधार करके मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस विधि में किया जाता है, और वह विधि कहलाती है यांत्रिक विधि। जय साथियों, यांत्रिक विधि ऐसी विधि होती है जिसका उपयोग करके वर्षा के जल को रोका जाता है, मिट्टी के कणों को बांधकर मिट्टी की संरचना को सुधार करके मिट्टी के कटाव को रोका जाता है, वह यांत्रिक विधि, याद रखिएगा अगले एग्जाम में आए तो नोट कर लीजिएगा अपने के माइंड की मेमोरी में, एक क्वेश्चन के आंसर को सेव करते जाइएगा। अगला प्रश्न साथियों, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था, अब कहेंगे आप लोग आर्यभट्ट उपग्रह आ गया तो EBS में उपग्रह पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, यही आपके अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं जब भी आर्यभट्ट उपग्रह की बात होगी तो 1975 ये सन याद रख लीजिएगा। जी हाँ साथियों, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 1975 में किया गया था।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि नासा का छोटा जो रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी किस पर काम कर रहा है, तो ये दोस्तों आपके मंगल ग्रह के लिए काम कर रहा है। नासा का जो छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जिसे हमें इंजीन्यूटी बोला जाता है, ये किस पर वर्क कर रहा है, तो ये दोस्तों आपके मंगल मार्स पर जो है मार्स के लिए वर्क पर लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कुईपर बेल्ट क्या होता है। देखिए कुईपर बेल्ट वह होता है जिसे नेपच्यून के बाद हम किसी क्या बोलते हैं, कुईपर बेल्ट बोलते हैं। बियॉन्ड नेपच्यून की बात करें, नेपच्यून याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला ठोस रॉकेट प्रणोदक संयंत्र बताइए। जी हाँ, भारत का पहला ठोस रॉकेट प्रणोदक जो संयंत्र कहलाता है वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं, भारत का पहला ठोस रॉकेट प्रणोदक संयंत्र था। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मलबा समन आपके दिशा निर्देश होता है, तो अंतरिक्ष मलबा शमन जो दिशा निर्देश हमारा कहलाता है वह क्या कहला जाता है, वह दोस्तों कहला जाता है समान संचालन के दौरान आपका मुक्त मलबे को सीमित करना। जी हाँ, समान संचालन के दौरान जो मुक्त मलबा होता है उसको सीमित करना ही अंतरिक्ष मलबा समन दिशा निर्देश बोला जाता है। अगला प्रश्न साथियों आपके पेपर में पूछा गया था, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आया था पर्यावरण अध्ययन के इन्वायरमेंट स्टडीज के क्वेश्चंस पेपर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित नहीं है। देखिए सरदार सरोवर मानी मध्य प्रदेश राजस्थान ये दोनों लाभान्वित है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र भी आपका आ जाता है। अब बचता पंजाब, पाँच नदियों का प्रदेश सिंधु चिनाब रावी सतजुल ब्यास ये पाँच नदियाँ हैं जिनका पंजाब बोला जाता है, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जो सरदार सरोवर बांध के लिए लाभान्वित राज्य नहीं माना जाता, बाकी मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र ये तीनों राज्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है विटीकल्चर किसकी खेती होती है। विटीकल्चर आपने पढ़ा होगा, विटीकल्चर को द्राक्षा कृषि बोला जाता है और इसे अंगूर की खेती करने को विटीकल्चर बोला जाता है, तो ये खेती करने से भी ये संबंधित प्रश्न आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा जो है खादर और भांगर मिट्टी से विभाज है, तो मिट्टी से भी संबंधित प्रश्न आया था कि खादर मिट्टी और भांगर मिट्टी में विभाजित करता है, वह होता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है यह ऐसी मृदा होती है जो मृदा खादर और भांगर मिट्टी में विभाजित कर देती है, वह कहलाएगी जलोढ़ मृदा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बाल दिवस अर्थात बच्चों का दिवस, अर्थात सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे, 14 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, ये खास दिन तारीख सभी लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि ये बाल दिवस की तारीख, और बाल दिवस से संबंधित अगर आपको कुछ भी चीज़ें अगर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली से शेयर कर सकते हैं। ये एक मात्र चैनल या एक मात्र आपका माध्यम नहीं है दोस्तों, ये एक फैमिली एक परिवार है जहाँ पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोगों की उम्मीद इस परिवार से है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की बात की जाती है, प्रिपरेशन की बात की जाती है, तैयारी की बात की जाती है और 101% सिलेक्शन की बात की जाती है साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया, 2008 में पहला आईपीएल किसने जीता। जी हाँ, 2008 में पहला आईपीएल किसने जीता था, वह दोस्तों राजस्थान रॉयल्स, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है शैक्षिक भ्रमण निम्नलिखित में से किस प्रकार से बच्चों के विकास में सहायता करते हैं, तो जो शैक्षिक भ्रमण होता है दोस्तों यह सुदृढ़ीकरण और समाजीकरण के विकास में बच्चों में सहायता करते हैं, सुदृढ़ीकरण और समाजीकरण, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूमिका निर्वाह विधि, भूमिका निर्वाह से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भूमिका निर्वाह विधि में एक छात्र बच्चा बालक बालिका के रूप में प्रस्तुत होता है और बाकी समूह उस शिक्षक के छात्र होते हैं, यह कथन हमारा कैसा होगा, तो यह कथन दोस्तों हमारा सच है। क्यों सच हो जाता है, क्योंकि यह विधि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बदलाव लाती है। कैसे, कि भूमिका निर्वाह विधि में एक छात्र शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होता है, छात्र बालक बालिका को शिक्षक बनाया जाता है, शिक्षक के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है, बाकी समूह उस शिक्षक के छात्र होते हैं, तो ऐसा करना क्या होगा, ऐसा करना सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यह विधि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बदलाव लाती है। जब एक बच्चे को टीचर बनाया जाता है, अध्यापक अध्यापिका बनाया जाता है, बाकी सभी बच्चे स्टूडेंट होते हैं, बालक होते हैं उस कक्षा के, और उस कक्षा का टीचर वह बालक होता है जिसको चूज किया जाता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग लेवल का होता है, इसीलिए चीज़ें बताई जा रही हैं और प्रैक्टिकली क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा रहा है।
अगला, एक परियोजना में की गई गतिविधियां काम की होनी चाहिए, यह कथन परियोजना पद्धति के किस मूल सिद्धांत की ओर इशारा करता है। तो आप सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं, जब भी कोई परियोजना की बात की जाती है तो वहाँ पे उपयोगिता की बात होगी। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक परियोजना में गतिविधि में काम होनी चाहिए, एक परियोजना में की गई गतिविधियां काम की होनी चाहिए, यह कथन पद्धति किस मूल सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? उपयोगिता पर। काम में होना मतलब कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है, उपयोग होना, ठीक है। तो प्रश्न पर ही उत्तर दिया था, केवल हमें समझना था साथियों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक अभिव्यक्त के रूप में है? तो रचनात्मक में लिखना, संगीत, कठपुतलियां तीनों हमारी रचनात्मक में आ जाती। अगला प्रश्न, एक परियोजना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते समय शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं, जब भी परियोजना के मार्गदर्शन प्रदान करने के शिक्षक की भूमिका की बात आएगी तो वह संसाधक के रूप में कार्य होगा, संसाधक के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु भ्रमण के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? तो अधिगम के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक भाग पर अधिक जोर ना दिया जाए, वातावरण को औपचारिक रखा जाए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भ्रमण की बात होगी तो उसमें शैक्षिक भाग नहीं ध्यान दिया जाता, भ्रमण में बच्चे क्या सीख रहे हैं उन बातों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इन चीज़ों को भी हमें समझना है और फीडबैक करना है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न जो क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, कि शिक्षक द्वारा प्रस्तावित अधिगम भ्रमण स्थल का प्रारंभिक दौरा बताइए। और ये चीज बता देता हूँ, अधिगम भ्रमण पर्यावरण का चैप्टर यानी भ्रमण से एक दो प्रश्न, तीन चार प्रश्न भी आ सकते हैं, दो प्रश्न तो पक्का रखा हुआ है। तो शिक्षक द्वारा प्रस्तावित अधिगम भ्रमण स्थल का जो प्रारंभिक दौरा होगा वह हमारा अपशिष्ट न होके क्या होगा? वांछनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वांछनीय कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि शिक्षक द्वारा अधिगम भ्रमण स्थल का प्रारंभिक दौरा वांछित हो जाएगा, वांछनीय कहलाएगा, ठीक है। अवांछनीय वांछनीय कहलाएगा, अवांछनीय वांछनीय दोनों में अंतर है, और इन अंतरों को जो समझता है वही अध्यापक बनता है। अगला प्रश्न, सौर विकिरण के अवशोषण से कांच के कक्ष के अंदर गर्मी के निर्माण की घटना को क्या कहा जाता है? सौर विकिरण, सूर्य की सीधे किरणें और सौर प्लेट जो बनी होती है कांच की उस पर पड़ता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं। यही चीज़ें पूछी जा रही हैं कि सौर विकिरण का जो अवशोषण कांच होता है, कांच के अंदर जब गर्मी का निर्माण होता है तो उस घटना को क्या बोला जाता है? उस घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है, याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जो है रेशे मानव निर्मित रेशे हैं? ऐसा रेशा बताइए जो मानव निर्मित हो। तो कपास तो मानव निर्मित नहीं है, ना ही रेशम है ना ही ऊन है, तो मानव निर्मित क्या हो जाएगा? रेयान। रेयान एक ऐसा रेशा है जो मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया जाता है, वह रेयान है, याद रखिएगा। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाएगी 1972 सन याद रखेगा। जी हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। और EBS का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस पेपर का 30वां प्रश्न है EBS का, कि निम्नलिखित में से कौन आकलन के सबसे संरचित उपकरणों में से एक कहलाता है? तो आकलन का अगर सबसे संरचित उपकरण की बात होती है तो वह होता है प्रकाशित योग्यता परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, पब्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। तो आई होप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पूछा गया था आप लोगों की स्क्रीन पर है कि मानसिक विकास संबंधित नहीं है, यानी मानसिक विकास किससे संबंधित होता है? मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू, देखिए वजन और ऊंचाई का विकास यह मानसिक विकास से संबंधित नहीं होता है। मानसिक विकास से क्या क्या चीज़ें संबंधित होती हैं? वह होता है स्मृति का विकास, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, और इसके साथ साथ समस्या समाधान की क्षमता का विकास। तो तीन चीज़ें निर्भर होती हैं, स्मृति का विकास, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, समस्या समाधान का विकास, ये तीनों मानसिक विकास से संबंधित होंगे। लेकिन वजन और ऊंचाई का मानसिक विकास से नहीं संबंधित होता है, वजन और ऊंचाई का विकास शारीरिक विकास से संबंधित हो जाता है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, किशोरावस्था को अध्ययन के जैसे कितने भागों में बांटा गया है? किशोरावस्था अर्थात 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, इसको अध्ययन के जैसे कितने भागों में बांटा गया है? इसको अध्ययन के जैसे दोस्तों कितने पार्टों में बांटा गया? 2 पार्ट। जी हाँ, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा कहलाता है सभी लोग बताइए? पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था होता है या कुछ और होता है? आइए कमेंट के माध्यम से आप सभी लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, बाल्यावस्था की उम्र में समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? जब भी बाल्यावस्था की बात करें यानी 6 से लेकर 12 वर्ष तक अवस्था में, जिसमें 6 से लेकर 9 तक
पूर्व बाल्यावस्था होता है और 9 से लेकर 12 तक उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो बाल्यावस्था की उम्र में समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह किसमें होती है? देखिए, अस्पताल, विद्यालय, बाजार, किसकी होती है? स्कूल यहाँ पे होना चाहिए। किसमें दिया गया? स्कूल। जी हाँ, डी ऑप्शन, स्कूल दिया गया है। तो स्कूल की भूमिका जो होती है बाल्यावस्था में समाजीकरण की महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक 6 से लेकर 12 तक अवस्था में सुबह चला जाता है, बालक जो है स्कूल में रहता है, स्कूल में खेलता खा सब कुछ करता है, खेलता है बच्चों के साथ। तो जो भी समाज में जो बच्चे होते हैं अपनी अपनी मातृभाषा से आते हैं, सभी की मातृभाषाएँ कुछ अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि कक्षा में विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों होता है? कक्षा में बालक बालिकाओं को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इसलिए होता है साथियों, क्योंकि इससे क्या होता है, उससे अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण नतीजों योजना बनाने में मदद मिल जाती है। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है कि व्यक्तिगत रूप से भी बच्चों को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाते रहे ग्रुप में, कुछ बच्चों को ध्यान दीजिए, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, किस रीजन से बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कहाँ पर बच्चा अटक रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान देना है और सभी को एक समान मानना है, सभी के लिए, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए एक समान है, आपके लिए बालक बालिका भी एक समान है। अगला, शारीरिक दंड नहीं देने पर बच्चे और भी बिगड़ जाते हैं, यह धारणा की अनुशंसा किस शास्त्र में की गई है? तो शारीरिक दंड अगर नहीं देंगे, यानी अगर मार चीज़ें शारीरिक दंड जो दिया जाता है, अगर ऐसे नहीं देते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, यह किस शास्त्र में अनुशंसा की गई है? यह कहलाता है व्यवहारिक दर्शन द्वारा। व्यवहारिक दर्शन शास्त्र कहता है कि अगर बच्चे को शारीरिक दंड ना दिया जाए तो वह बिगड़ जाते हैं। तो व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, कि पढ़ने के अभ्यास के दौरान अपने सहपाठियों साथियों द्वारा छोड़े जाने के बाद एक छात्र सार्वजनिक रूप से बोलने से डरता है। जी हाँ साथियों, प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी ध्यानपूर्वक देख सकें, समझ सकें। पढ़ने के अभ्यास के दौरान अपने सहपाठियों द्वारा छोड़े जाने वाले एक छात्र सार्वजनिक रूप से बोलने से डर सकता है। यह साथियों क्लासिकल कंडीशनिंग के संदर्भ में उसका नया डर एक अधिक कारणों से हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ये चीज़ें हो सकता है जिसे हम बोला जाता है सशर्त प्रतिक्रिया की बात करेंगे। जी हाँ, सशर्त प्रतिक्रिया की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, कुछ सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की तरह व्यवहार संबंधी विकार वाले ज़्यादातर बच्चे कैसे होते हैं? तो कुछ सीखने की अक्षमता को याद रखिएगा, कुछ सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की तरह व्यवहार संबंधी विकार वाले ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, वह दोनों का शैक्षणिक जो प्रदर्शन होता है वह खराब होता है। क्योंकि सीखने की अक्षमता वाले बच्चे और व्यवहार संबंधी विकार, तो दोनों अक्षमता, दोनों में कमियां हैं, तो दोनों में शैक्षणिक प्रदर्शन खराब रहेगा, ये याद रखिएगा। और ये पूछा जा रहा है क्या क्या चीज़ें आपके नॉलेज में हैं, कितना आपने कंसेप्ट को पढ़ा है। अगला प्रश्न है, औपचारिक प्रचलनों के चरण में बच्चा कैसा होता है? अब देखिए, कौन सा प्रचलन दे दिया गया? औपचारिक प्रचलन दे दिया गया। तो औपचारिक प्रचलन में बच्चे का जो चरण होगा या औपचारिक प्रचलनों में के चरण में जो बच्चा होता है वह व्यवहारिक प्रयोग के तरीकों के मान निष्कर्ष निकाल सकता है। जो बच्चा औपचारिक प्रचलनों के चरण में होगा, बच्चा क्या कर सकता है? व्यवहारिक प्रयोग के तरीके से मान को जो निष्कर्ष होते हैं उनको निकाल सकता है। किस रूप में? व्यवहारिक रूप में केवल निकाल सकता है। अगला प्रश्न, समाजीकरण बच्चे को क्या सिखाता है? जो समाजीकरण होता है यह बच्चे को क्या सिखाता है? अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए, हाउ टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस। तो समाजीकरण एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और पूछा भी जाता है, तो ये भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है समाजीकरण का। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि एक प्रगतिशील शिक्षक को अपने शिक्षार्थी बालक बालिका को हमेशा प्रेरित करना चाहिए, और प्रेरित सब पेडागोजी में पॉजिटिव माना गया है। और प्रगतिशील शिक्षक की बात करें तो एक प्रगतिशील शिक्षक को अपने बालक बालिका को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। कहाँ पर प्रेरित करना चाहिए? क्लास में किसी भी चर्चा में तत्परता से बातचीत करें। किस प्रकार से? क्लास में किसी भी तत्परता से बातचीत करके प्रेरित करना चाहिए। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कि रुचियां जो होती हैं वह गहरी जड़ें का निर्माण होती हैं और वह एक खाली स्थान की आवश्यक संरचना द्वारा निर्धारित की जाती है। तो रुचियां गहरी जड़ें का निर्माण होती हैं और वह एक व्यक्ति की आवश्यक संरचना द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? व्यक्ति की आवश्यक संरचना द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक बच्चे के लिए सामाजिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह कथन कैसा है?
सही है गलत है। तो सभी लोग जानते हैं जब कोई बच्चा होता है उसके लिए सामाजिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही है, क्योंकि ज्ञान समाज से अंतर्निहित होता है। कोई समाज से बाहर आप क्या नहीं जित अंतर्निहित होगा, समाज में जो रहता है कहीं ना कहीं ज्ञान वहीं से अर्जित करता है, समझता है, जांचता है और चीज़ें ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, डर, प्यार, जुनून, नापसंद, संवेग और भावनाओं को शामिल करते हुए सीखने का वर्णन करते हैं, इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहेगा? इस प्रकार की शिक्षा को अफेक्टिव लर्निंग बोला जाएगा, प्रभावी अधिगम बोला जाएगा, जहाँ पे डर, प्यार, जुनून, नापसंद, संवेग, भावनाओं को शामिल किया जाता है। तो संवेग की चर्चा यानी संवेग से भी पूछे जाते हैं। मैकडूगल ने जो 14 संवेग दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संवेग का चैप्टर क्लियर करेंगे। अगला, रुचियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? देखिए, रुचियों की बात आई तो आयु, जरूरत दोनों द्वारा रुचियाँ निर्धारित होती हैं। आपकी आयु का बच्चा है, आयु के द्वारा होगा। बच्चा खेलने लायक है तो वह खिलौने से होगा। जरूरत क्या चीज़ें हैं, तो जरूरत के हिसाब से भी रुचियाँ होती हैं और आयु के हिसाब से भी रुचियाँ होती हैं, दोनों प्रकार से रुचियाँ होती हैं। अगला है, कथनों का विश्लेषण करना है और चुनना है। कथन क्या कह रहा है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे अलग अलग रंगों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। कथन, बचपन के दौरान वजन की अवधारणा सटीक होती है। दोनों कथन असत्य है। देखिए, बच्चा जन्म ले जाए और तुरंत अंगों का प्रतिक्रिया दे दे तो ये तो सही नहीं दिया गया है, और बचपन के दौरान वजन की अवधारणा सटीक होती ये भी गलत नहीं है। तो दोनों चीज़ें, दोनों कथन गलत दिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पूछा गया है, बाल विकास पेडागोजी में, कि निम्नलिखित में से कौन जो है बाल विकास में शामिल नहीं होता है। यानी ये जानना जरूरी कि बाल विकास में क्या क्या चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं। तो बाल विकास में साथियों, विकास की विभिन्न अवस्था और प्रत्येक चरण की विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन शामिल होता है। व्यवहार को संशोधित करने पर विभिन्न स्थिति पर्यावरण कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, इन प्रसंगों का अध्ययन होता है। विकास के पैटर्न के का अध्ययन जो होता है ये भी आपके बाल विकास में शामिल होता है। लेकिन समाजीकरण का क्या प्रभाव है ये बाल विकास में शामिल नहीं होता, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न पूछा गया था, विकास या तो संरचनात्मक या कार्यात्मक है, कितने अनुक्रमों का पालन करता है? तो विकास संरचनात्मक या कार्यात्मक होता है, ये दोस्तों दो अनुक्रमों का पालन करता है। वही कौन कौन से अनुक्रम है आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, नहीं पता तो आप लोगों को क्लास पर बताया जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्स एक बच्चा है जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में और खासकर सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। वह 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए स्कूल जाता है, कक्षा पहली मंजिल पर है, स्कूल को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? बच्चा अगर नहीं चढ़ पा रहा है, स्कूल को क्या कार्रवाई कर सकता है? स्कूल को कक्षा को पहली मंजिल से भूतल पर स्थानांतरित करना चाहिए ताकि एक्स कक्षा में बच्चा पहुंच सके और उसे प्रवेश दे देना चाहिए। यानी जो कक्षा ऊपर लग रही थी उसको कक्षा को नीचे शिफ्ट किया जाए और उस बच्चे को प्रवेश दिया जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुख्य धारा में शामिल होने के बारे में सही नहीं है? देखिए, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जो सही होता है, यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा विशेष आवश्यक वाले बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान स्कूल में जाने से पहले किया जाता है। यानी कि क्या सही नहीं होगा कि इस प्रक्रिया के बाद सभी बच्चों को कॉमन स्कूल में भेज दिया जाता है। तो मुख्य धारा के रूप में यह सही नहीं होगा कि किसी भी प्रक्रिया के बाद सभी बच्चों को कॉमन स्कूल में भेज दिया जाए। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन जो है अनुवांशिकता द्वारा सबसे अधिक परिभाषित होता है? तो अनुवांशिकता द्वारा जो सबसे अधिक परिभाषित होता है वह इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि की बात होती है। यानी बुद्धि जो है अनुवांशिकता द्वारा सबसे अधिक जो है प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आई एंड दाऊ पुस्तक किसने लिखी? शायद आपने ना पढ़े हो, आई एंड दाऊ एक पुस्तक है, द रोड द बुक आई एंड दाऊ। ये दोस्तों इसके बुक के जो लेखक हैं वह है मार्टिन बुबेर, याद रखिएगा मार्टिन बुबेर, दाऊ बुबेर, मार्टिन बुबेर। अगला प्रश्न आइए देख लेते। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें कल्पनाशील सोच और मानसिक चित्रण शामिल होता है? तो गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, जिसमें कल्पनाशील सोच और मानसिक चित्रण शामिल हो वह वस्तु प्रेक्षण बुद्धि कहलाती है, आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। आइए, सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र का द्वितीय चरण कहलाता है?
तो वह कहलाता है अंतर्नोर। तो पहला चरण क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्यक्तिगत मतभेदों के संदर्भ में समझा जा सकता है, तो व्यक्तिगत मतभेदों के संबंध में क्या क्या चीज़ें समझी जा सकती है, उसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समझा जा सकता है और बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास नहीं समझ सकता। व्यक्तिगत मतभेदों में मानसिक विकास नहीं समझा जा सकता, संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास को समझा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खाली स्थान जीवित प्राणी संवेग का अनुभव करते हैं, तो जीवित प्राणी किस संवेग का अनुभव करते हैं, तो जीवित प्राणी होते हैं सभी संवेगों का अनुभव करते हैं, क्योंकि जीवित है, जो जीवित है तो सुख दुख गर्मी प्यार मोहब्बत सभी की चीज़ें हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती। अगला क्या प्रश्न पूछा गया, तो 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं और इस पेपर को पूरा कंप्लीट करते हैं। साथियों सुशी सीमा हमेशा प्रयोगों को डिजाइन करने या उन अवधारणाओं के वास्तविक जीवन के उदाहरण देने की कोशिश करती है जो वह कक्षा में सिखाती या प्रस्तुत करती है। यह इंगित करता है कि वह शिक्षा के खाली स्थान और खाली स्थान पहलुओं के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रही, तो वह हमारा हो जाएगा सैद्धांतिक और व्यवहारिक। क्या हो जाएगा, यह इंगित करता है कि वह शिक्षा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक की बात आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिट और ट्रायल किसकी बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जी हाँ साथियों, हिट और ट्रायल मेथड के आधार पर मछली पकड़ने की कोशिश करने वाली बिल्ली का प्रयोग किया गया था, किसने किया था, बिल्ली का प्रयोग, यानी थर्नडाइक की बात आई। अगला प्रश्न है कि सारांश का महत्वपूर्ण है, देखिए सारांश महत्वपूर्ण क्यों होता है, सारांश इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पिछले ज्ञान और नए ज्ञान के बीच क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। सारांश क्यों महत्वपूर्ण होता है कि यह पिछले ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संबंध को स्थापित करता है। अगला प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा वर्धित होता है, तो अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वह केवल ICT प्रौद्योगिकी द्वारा, किसके द्वारा, ICT प्रौद्योगिकी, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, केवल फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और CDP का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न क्या पूछा गया था, यानी 30वां प्रश्न CDP बाल विकास का, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायकों पर्यवेक्षकों बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिलाकर किस दल का गठन होता है, तो इन सभी को मिलाकर एक दल का गठन होता है और वह दल कौन सा कहलाता है, वह ICDS टीम कहलाती है, ICDS दल कहलाता है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके समझे होंगे, और डेली 7 PM to 8 PM हमारी यह प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हो रहे हैं, तो सभी लोग आइए, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है जो कि मिल जाएगा आपको, सारे पेपर फ्री सॉल्व आपको मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और आगे जो प्रिपरेशन आएगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षक की बात की जाती है और आपके अपने सपनों साकार की बात की जाती है, शिक्षक भर्ती की नंबर 1 TT फैमिली आपके फैमिली की बात की जाती है, क्योंकि ये आपका सभी का फैमिली है, आपका अपना परिवार है, तो सभी लोग जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, ताजी प्रिपरेशन के साथ, ताजी एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि इस बार MP TET वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह करना है। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।